अपने इस पूरे ट्रिप में बारिश में घूमने का ये पहला मौका है। अभी अभी मैं एडम के घर से बाहर निकला हूँ। एडम का घर कुछ इस तरफ है, जाना कहाँ पर है पता नहीं, बस ऐसे ही इलाका कैसा है ये देखने के लिए। सामने जो घर है बड़ा सुंदर लग रहा है। ऐसे ही बहुत सारे घर यहाँ पर हैं, अकेले अलग थलग गाँव से, बस्ती से दूर। बारिश हो रही है, सोचा बारिश में घूम के देखा जाए कैसा लगता है। ये क्या चीज़ है भाई, वहाँ तो बादल है। सुंदर वाह। आगे जंगल है पूरा, और पता नहीं रास्ता तो दिख नहीं रहा कहीं जाने के लिए। अभी फ़िलहाल मेरे पास ना तो मोबाइल नेटवर्क है, ना कंपास है, ना जीपीएस नेविगेटर है। बस भरोसा है लोगों का, उनकी जानकारी का भरोसा है। और ऐसे रास्ते जो फ़िलहाल कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, तो बस मैं अभी इसी को फॉलो किए जा रहा हूँ। कुछ कारण थे जिस वजह से मैंने फ़ैसला किया इसमें अकेले आने का। पहला तो ये कि मुझे लोगों ने बताया था कि यहाँ पर जंगली जानवर नहीं हैं, लोग लगभग ठीक ठाक हैं। और इसलिए कम से कम जानवरों का और चोर उचक्कों का या उस तरह की किसी चीज़ का डर नहीं था। दूसरी बात ये कि निकलने से पहले एक अंदाज़ा हो गया था, मैप में देख लिया था, मेरे होस्ट ने मुझे बता दिया था कि इस दिशा में ये जगह है और इस दिशा में ये जगह वगैरह वगैरह। थोड़ा सा दिशा की जानकारी है। और तीसरा बड़ा कारण ये कि आसपास में यहाँ पर बसावट है, लोग जंगलों में भी अपने घर बना के रह रहे हैं। जिस रास्ते से मैं भी आ रहा हूँ वो पीछे कुछ ऐसा है, और आगे ये रास्ता कुछ ऐसा हो रहा है, यानी थोड़ा संकरा होता जा रहा है, थोड़ा ख़राब होता जा रहा है रास्ता। तो पता नहीं है, ये भी रास्ता ख़त्म हो गया ऑब्वियसली, पर और कोई रास्ता था भी नहीं। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ पर आ गया हूँ, इसलिए एक एप्लीकेशन है, ऑफलाइन एप्लीकेशन, ये वाली। इसके हिसाब से करीब 100-150 मीटर पर एक वो है सड़क, देखता हूँ इसी डायरेक्शन में चल के देखता हूँ। गलत रास्ते पे चला गया था। घर दिखा, मुझे लगा वहाँ सड़क होगी, मगर सड़क नहीं थी और आगे पूरा झाड़ियाँ थी। अब वापस आ गया हूँ खुले में, इस रास्ते से जाऊँगा। वहाँ सामने एक घर नज़र आ रहा है। अरे वाह, सड़क नज़र आ गई। बड़ी सुंदर जगह लग रही है तो वाह। अब यहाँ सड़क थोड़ी अच्छी आ गई है, पर अजीब बात यह है कि अभी तक एक भी बंदा नज़र नहीं आया। हिंदुस्तान होता, कोई अगर देखता तो पूछता ज़रूर, कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, मगर यहाँ अभी तक कोई नज़र नहीं आया। चलो भाई, पहुँच गया। नहीं पता कौन सी जगह है ये, मगर आ गया। लोग नज़र आ रहे हैं, कारें नज़र आ रही हैं, ये घर नज़र आ रहे हैं, और ये शायद कोई छोटा सा कैफ़े है। खैर, जगह सुंदर तो है। आज संडे का दिन है और वीकेंड बनाने के लिए आए हुए हैं इस इलाके में। फिर भूल गया इस जगह का नाम क्या था। ये इस तरह की कैरावैंस में, अभी 2-3 कैरावैंस और देखी थी मैंने, आसपास के इलाकों से आए हुए हैं। थोड़ी देर यहाँ आराम करने के बाद में यहाँ बैठा था कुछ देर इस पीले रंग की बिल्डिंग के पास में। इसके नीचे एक कैफ़े था। एक बारिश भी बंद हो चुकी है, अब शाम के 4:15 बज रहे हैं। अंधेरा भी थोड़ी देर में हो जाएगा, इसलिए मुझे पहुँचना है वहाँ जहाँ से सुबह चला था। दुनिया भरी पड़ी है अच्छे लोगों से। अभी बस ऐसे ही भटकते हुए कुछ लोग मिले। एक कपल था, उनसे बात करने लगा। ऐसे काफ़ी करीब 15-20 मिनट खड़े बात हुई। ब्रनो में रहते हैं। ब्रनो चेक रिपब्लिक का दूसरा बड़ा शहर है, और यहाँ पर एक कॉटेज है उनकी इस जंगल के बीच में। जैसे अभी बहुत सारी कॉटेजेस देखी थी, और लगभग हर वीकेंड पे वो या उनके परिवार या उनके जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पर आके ठहरते हैं उनकी कॉटेज में। तो अभी उनसे ऐसी बात हो रही थी। मैंने बताया कि मैं इंडिया से आया हूँ, यहाँ ठहरा हुआ हूँ। तो हैरानी हुई कि इस जंगल में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और यहाँ क्यों ठहरा हुआ हूँ। खैर मैंने उनसे रास्ता पूछा तो उन्होंने रास्ता बताया, ना सिर्फ रास्ता बताया, जो एप्लीकेशन उन्होंने डाउनलोड की हुई है उसको यूज़ करने का तरीका बताया। उन्होंने बताया कि इस एप्लीकेशन में मैपी.cz नाम की एक एप्लीकेशन है, उसमें ये जो काले काले रंग के जो मार्क्स हैं वो दरअसल पैदल चलने वालों के लिए ही हैं। मैं खामखा जंगल में घूमता रहा जबकि ये रास्ते पहले से बने हुए थे और रास्ते वाकई बने हुए हैं। इसमें इस एप्लीकेशन में ना सिर्फ पैदल चलने के लिए यानी हाइकिंग ट्रेल्स हैं बल्कि बाइकिंग के लिए यानी साइकिल पे जाने के लिए भी ट्रेल्स बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इस जंगल में वापस आ चुका हूँ। देखता हूँ इस एप्लीकेशन से मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँगा। अचानक कहीं कुछ अजीब सी आवाज़ हुई, थोड़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़, कैसे कोई लकड़ी काट रहा है, और थोड़ा सा डर लगा इसलिए रोंगटे खड़े हो गए। पीछे तो कोई है नहीं, कौन है भाई, ऊपर तो नहीं है। वैसे ऐसे लग रहा है कि मैं पहाड़ के ऊपर के छोर पे आ चुका हूँ। हाँ ऐसा दिख रहा है, मतलब जैसे जंगल ख़त्म हो गया है। आ गया वो कल शाम को जो मिट्टी वाला घर देखा था। इस घर की खासियत ये है कि ये दादी जैसे अपना घर बनाती थी नरवाना में या गांव में हमारे जैसे घर बनते हैं, तूड़ी और गोबर और मिट्टी मिला के ऐसे लिपाई होती है और ऐसे घर बनते हैं। इन्होंने भी वैसे घर बना रखा है अपना, बल्कि औरों के लिए भी ऐसे घर बनाते हैं ये लोग। शायद बारिश के पानी को इकट्ठा करने का सिस्टम है, अच्छा है, इको फ्रेंडली। अब मैं पहुंच गया हूँ जहाँ पहुंचना था। ये है वो जगह, और उस तरफ कहीं घर है एडम का।